BA6th सम बैच 2017 कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो एफिलेटेड कॉलेज में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया 5th फेब को, हमारे सारे एग्जामिनेशंस ख़त्म हुए, सारा पेपर 5th फेब को हमारा स्किल सब्जेक्ट हुआ है जिसमें सेरिकल्चर, खास तौर पे जिस रीज़न से हम यहाँ पे आए हैं, सेरिकल्चर पेपर हुआ और जिसमें हमने पेपर आराम से दिया जो कि बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। और आफ्टर दैट ये बोला गया कि कल 1 महीने और 5 दिन के बाद यूनिवर्सिटी वाली नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता डेट शीट निकाला है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, री एग्जामिनेशन, जो कि ट्यूसडे के लिए उन्होंने रखा है, जिसमें हम सिंपली इनको ये बोल रहे हैं हमने एग्जामिनेशन दिए हैं जो कि बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आया था। हम सिंपली उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बली कंट्रोलर को, जो भी गवर्नर है, व्हाटएवर, जो भी यहाँ पे हमारी अथॉरिटी है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं मेहरबानी करके हम एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, फिर से हमने अपने एग्जामिनेशन दिए हैं, आप सिंपली ये ऑप्शनल रखिए, जिनके लिए जिनको प्रॉब्लम हुई है या जिनको जो मसला हुआ है वो आप एग्जामिनेशन उनका लीजिए, इट शुड बी ऑप्शनल। हर एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के बाद आउटसाइड स्टेट चले गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग डिग्रीज के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, बाकी कोर्सेज के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये पॉसिबल कैसे है, हम अब स्टूडेंट्स कैसे आ सकते हैं, ट्यूजडे के दिन अपेयर हो सकते हैं वापस से एग्जाम में, एग्जाम दिया है। और कंट्रोलर के साथ कल भी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि मैं मंडे के दिन डिसीजन दूंगा, मंडे डिसीजन देगा और ट्यूजडे के दिन हमारा एग्जाम, इट्स लाइक अ जोक। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैंने वहाँ पे नोटिस किया है, जब एग्जामिनेशन ख़त्म हुए उस दिन कुछ सेंटर में, हमारे कॉलेज के एक सेंटर में आई थिंक वहाँ पे कुछ क्लैश हुआ है, बैकलॉग वाले पेपर्स मिले हैं रेगुलर को, रेगुलर वाले पेपर्स मिले हैं बैकलॉग को, आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न। बट उनका जो मसला है, ये स्टाफ की गलती है वहाँ पे, ये किन की गलती है, वो उनका आप उनका देखिए, हम बाकी स्टूडेंट्स क्यों सफ़र करें, जैसे रहे हैं, हम एग्जामिनेशन फिर से नहीं देने वाले हैं और शाम तक हमें डिसीजन